नमस्कार दर्शकों, वेब दुनिया पर आपका स्वागत। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर विश्व कप में शानदार आगाज किया। रविवार को टीम इंडिया का मुकाबला विश्व कप के प्रबल दावेदारों में गिनी जा रही दक्षिण अफ्रीका के साथ। टीम इंडिया अब तक विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीत पाई। इसी मैच पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शराफत खान। क्या टीम इंडिया हार के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? रिकॉर्ड अपनी जगह है और विश्व कप का हर एक मैच अपनी जगह। जब भारतीय टीम रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मेलबर्न में उतरेगी तो मुझे नहीं लगता कि खिलाड़ियों के जहन में ये सवाल होगा कि अब तक हम इस टीम को हरा नहीं पाएंगे। हर मैच एक नया होता है, हर दिन नया होता है। तो भारतीय टीम जो पाकिस्तान के खिलाफ शानदार जीत दर्ज कर चुकी है, आत्मविश्वास है टीम में और अब वो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे दक्षिण अफ्रीका ही क्यों ना हो, टीम तैयार है सामना करने के लिए। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारतीय टीम यह मैच जीत सकती है। बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका खुद यह मानती है कि भारतीय टीम खिताब के दावेदारों में से एक बड़ी टीम है। तो हो सकता है हम दक्षिण अफ्रीका को हरा सकते हैं। क्या आप विश्व कप में टीम इंडिया की गेंदबाजी कुछ कमजोर लग रही है? ऐसा कह सकते हैं, लेकिन जो हमने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला उसमें पाकिस्तान को 224 रनों पर 50 ओवर के पहले ही हमने पवेलियन भेज दिया। कि भारतीय टीम की गेंदबाजी ऑन पेपर भले ही हम उसको क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन वास्तव में उमेश यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ 24वें ओवर में जो 2 विकेट लिए, मोहम्मद शमी ने 35 रन देकर 4 विकेट लिए, मोहित शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की, तो उस परफॉर्मेंस के बाद ये कहना कि बहुत कमज़ोर है, मुझे नहीं लगता कि सही होगा। और भारतीय गेंदबाज अपना फॉर्म वापस पा रहे हैं। टॉस जीतने पर धोनी को क्या लेना चाहिए, गेंदबाजी या बल्लेबाजी? अब तक जो वर्ल्ड कप 2015 में मैच हुए हैं हमने देखा है कि पहले खेलने वाली टीम को फायदा हुआ है। पिछला मैच भी हमने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, और चूंकि ये एमसीजी पर होने वाला है तो भारत दक्षिण अफ्रीका का मैच, तो धोनी के मन में भी यही होगा कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना। इसकी एक वजह यह भी है कि भारतीय टीम की जो ताकत है वो बल्लेबाजी है। किसी भी टीम को अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना चाहिए, भारतीय टीम भी यही करती है। भारतीय टीम की स्ट्रेंथ है बल्लेबाजी, तो टॉस जीतो, बैटिंग लो, बड़ा स्कोर करो और बड़ा स्कोर के दबाव में सामने वाली टीम को जल्दी आउट करो, जैसा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हुआ। पाकिस्तान को जब 300 रन का टारगेट मिला, 301 रन उनको बनाने थे, तो कभी भी मैच में लगे ही नहीं। तो धोनी की भारतीय टीम मैनेजमेंट की यही नीति होगी कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए। टीम का एक्सपेक्टर क्या रहेगा? रोहित शर्मा से अभी एक बड़ी पारी आना बाकी है। वर्ल्ड कप 2015 में हम रोहित शर्मा से एक बहुत बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे हैं और हो सकता है कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में यह पारी आ जाए। अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छे फॉर्म में है, हमने देखा पिछले सीरीज में। शिखर धवन फॉर्म से वापसी कर चुके हैं। विराट कोहली के बारे में जानते हैं और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अपनी शैली है। कोई एक बल्लेबाज बड़ी पारी खेल लेगा और मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद रोहित शर्मा से है। धोनी प्रयोग करने के लिए जाने जाते हैं, तो इस मैच में भी कुछ प्रयोग करेंगे? देखिए, हर मैच अपनी तरह का होता है और उसकी जिस तरह की परिस्थिति में मैच है उस हिसाब से निर्णय कप्तान को लेना होते हैं। आप कह रहे हैं सुरेश रैना को पाकिस्तान के खिलाफ प्रमोट किया गया, तो उसकी अपनी वजह थी। मैच उस स्थिति में था जब सुरेश रैना को भेजना जरूरी था, कप्तान ने किया। अगर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में भी इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं तो जाहिर है धोनी ऐसा करेंगे। वो एक प्रयोग करने वाले कप्तान के तौर पर जाने जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी वो इस तरह के प्रयोग करने में हिचकिचाएंगे नहीं। गैरी कस्टन टीम इंडिया के कोच थे और अब वह दक्षिण अफ्रीका के साथ हैं, तो क्या वो कमजोरी बताएंगे दक्षिण अफ्रीका को? देखिए, आप बात कर रहे हैं साल 2011 की जब भारतीय टीम के कोच गैरी कस्टन रहे हैं। 2011 की भारतीय टीम और 2015 की भारतीय टीम में बहुत फर्क है। अब वो खिलाड़ी हमारे साथ हैं नहीं जो 2011 में खेला करते थे, कुछ खिलाड़ी उनमें से हैं और उस बात को बहुत वक्त बीत चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि कस्टन के पास कुछ ऐसा होगा जो भारतीय टीम की कमजोरी दक्षिण अफ्रीका के सामने खोल दे। अब एक नए माहौल में क्रिकेट हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, वहाँ पे अलग तरह की स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास बहुत सारे नए प्लेयर भी हैं, मुझे नहीं लगता इस बारे में कस्टम कुछ कर पाएंगे। हाँ, तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ शराफत खान। अब इंतजार रविवार का है जब मैदान पर दोनों टीमें एक साथ होंगी।